हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर कलर से रिलेटेड कुछ टेक्निक के बारे में जो पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। सो फ्रेंड, हम बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करते हैं। हमको जो भी पेंटिंग करना है हम उसके पहले स्केच बना देते हैं स्केच पेपर में। क्या है कि जब हम पहले डायरेक्टली वाटर कलर पेपर में स्केच बनाते हैं तो बहुत सारे पेंसिल का लाइन रह जाता है जो इरेज करने से भी पेपर नीट एंड क्लीन नहीं रहता। और हमको ये कोशिश करना है कि जितना कम हो सके वाटर कलर पेपर में पेंसिल का लाइन कम हो, हमको सिर्फ आउटलाइन मिल जाए ये काफ़ी है। और ज़्यादा जब पेपर डार्क हो जाता है तो वाटर कलर अच्छा नहीं लगता। पेपर जितना हो सके लाइट रहे, पेपर एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, तभी हमारा वाटर कलर अच्छा हो पाएगा। इसीलिए ये बिगनर्स के लिए, जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि वो स्केच पेपर में ही स्केच बनाए। और स्केच जब हमारा फाइनल ड्राइंग मिलता है उसको हम ट्रेसिंग करेंगे वाटर कलर पेपर में। सो फ्रेंड, ये हमारा स्केचिंग हो गया है। अब हमको क्या करना है कि इस पेपर की बैक साइड में, देखिए यहाँ पर हमको अच्छी तरह से ग्राफाइट पाउडर का यूज करना है। ग्राफाइट पाउडर अच्छी तरह से लगाने के बाद हम वाटर कलर पेपर में इसे ट्रेसिंग करेंगे। आप इसके लिए कोई पेन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन केयरफुली, क्योंकि हमको सिर्फ आउटलाइन चाहिए। अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो हमारा आउटलाइन जो है वो मिस्टेक हो सकता है, इसलिए थोड़ा केयरफुली हमको करना है। हमको एक अच्छा सा आउटलाइन मिल गया है, इसके ऊपर हम वाटर कलर पेंटिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूँ। ज़्यादातर पेपर की चारों ओर ऐसे टेप लगाते हैं। अब क्या है कि जब हम वाटर में पेपर को गीला करते हैं तब देखो पेपर का क्या हालत बनता है, जैसे अप डाउन, मतलब कुछ खास नहीं लगता पेंटिंग करने को। इस प्रॉब्लम से हमको छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना है कि फ्रंट साइड और बैक साइड पेपर की दोनों ओर हमको गीला कर देना है, और उसके बाद किसी टेप की ज़रूरत ही नहीं है, वो बोर्ड में अपने आप सेट हो जाएगा। अब फ्रंट साइड पेपर को ड्राई करने के लिए हम कपड़े की मदद ले सकते हैं, लेकिन जो अंदर है बैक साइड उसे गीला ही रहने दीजिए, वो ऐसे ही काफ़ी समय रह जाएगा। जब भी मुझे वाटर कलर करना होता है 3-4 घंटे के अंदर, तो मैं हमेशा इस प्रोसेस से ही काम करता हूँ। और मैं मोस्टली कैमलिन आर्टिस्ट वाटर कलर यूज करता हूँ। दोनों का क्वालिटी सेम है, सिर्फ साइज में डिफरेंट है। और इसमें एक एक्स्ट्रा कलर आता है चाइनीज वाइट, जिसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम वाटर कलर में लाइट टोन से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे डार्क टोन की तरफ आते हैं। ये 12th नंबर का स्मूथ हेयर ब्रश है, और ये भी एक 12th नंबर का है, लेकिन ये सिंथेटिक हेयर का है। और कुछ 6 नंबर, 8 नंबर, 4th नंबर राउंड हेयर ब्रश, उसके साथ एक दो फ्लैट ब्रश भी है मेरे पास जो बैकग्राउंड में यूज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फेस का जो लाइट टोन है उसे कवर कर लेना है, और लाइट टोन के लिए कलर से ज़्यादा वाटर का क्वांटिटी लेना चाहिए। वाटर का क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा कलर उतना ही लाइट मिलेगा। अब देखिए, इसके साथ मैं थोड़ा क्रिम्सन लेग यूज कर रहा हूँ, और ये अच्छी तरह से मिक्स भी होता है। हम जब भी वाटर कलर करते हैं हमें पता होना चाहिए कि वाटर का क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा कलर उतना ही अच्छा मिक्स हो पाएगा, और पेपर ड्राई होगा तो कलर मिक्स नहीं होगा। बस यही वाटर कलर का खेल है, और बाकी सब आपके प्रैक्टिस और स्किल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कलर को थोड़ा सा लाइट और मिक्स करने के लिए मैं ब्रश लेता हूँ, मैं खाली ब्रश लेता हूँ। Thank you.
अब आते हैं नेक्स्ट लेयर में। कलर के साथ थोड़ा सा सैप ग्रीन यूज कर रहा हूँ। डार्क टोन के लिए वायलेट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डार्क टोन की तरफ आ रहे हैं। फेस का डार्क टोन वो होता है जहाँ पर लाइट पहुँच नहीं पाता, और यहाँ येलो कर क्रिम्सन लैग वायलेट को मैं यूज करता हूँ। बिगिनर्स ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि आईब्रो में डायरेक्टली ब्लैक यूज कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये पोर्ट्रेट में जो कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन आँखों में है, और इसके डिटेलिंग के लिए मैं थोड़ा सा स्मॉल साइज ब्रश यूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ब्रश में वाटर यूज कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर जो मुझे डार्क टोन चाहिए वो अच्छी तरह से मिक्स हो पाए। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप डार्क टोन की तरफ आते हैं, वाटर कलर में हमें धीरे धीरे डायमेंशन फील होता है। और जो वाटर कलर पोर्ट्रेट में कहा जाता है कि फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, डिपेंड करता है आप कब तक सेटिस्फाई होते हो, आप अपने वर्क को कितने दूर तक ले जा सकते हो। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आई होप आपकी वाटर कलर पोर्ट्रेट पेंटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने वाला है।
Thank you.